हेलो, वेलकम टू माय चॉइस किचन। सभी दोस्तों को हैप्पी गणेश चतुर्थी। तो मैंने सोचा कि मोदक मिठाइयाँ तो सभी बना रहे हैं, तो क्यों ना हम थोड़ा कुछ चटपटा बना लें। तो उसके लिए मैंने आज बनाने जा रही हूँ चना जोर गरम। तो ये जो काले वाले चने होते हैं, इसको मैंने ओवरनाइट भिगो लिया था और इसको एक बेसन लगवा के बॉयल कर लिया है। अब हम इसका पानी भी ड्रेन कर लिया है। और अब क्या करेंगे, ये जो हमारे चने हैं इसको हम क्रश कर लेंगे। मैं आपको बताती हूँ कि किस तरीके से हम इसे क्रश करेंगे। थोड़ा सा मेहनत का काम है, लेकिन जब ये चना जोर गरम बनके तैयार होगा तो बहुत ही टेस्टी लगेगा। इस तरीके से देखिए, हम क्रश कर लेंगे। एक एक चना उठाएंगे और फिंगर और अंगूठे से दबाते हुए इस तरीके से आप इसे क्रश कर लेंगे। या फिर और ऑप्शन भी हैं इसको क्रश करने के। ऐसे आप रखिए, एक कटोरी लीजिए और उसको प्रेस कर दीजिए। देखिए कुछ इस तरीके से, इससे भी आपका इजीली ये दब जाएगा। या फिर अगर आप थोड़ा सा मेहनत कर सकते हैं तो चार पांच चने लीजिए, हाथ में रखिए और दोनों हथेलियों की हेल्प से इसको दबा दीजिए इस तरीके से। बहुत ही टेस्टी नमकीन है ये। ये देखिए, एक बार बस ये चना क्रश करने की मेहनत है। इसको हम सुखा लेंगे। अब एक दिन के लिए हम इसे पंखे के नीचे, या फिर आप अगर धूप तेज़ है तो बाहर धूप में इसको पूरे दिन के लिए सुखा लीजिए। और उसके बाद मिलते हैं फिर। एक दिन बाद हमारे चने देखिए सूख गए हैं, आवाज़ से आपको पता चल रहा होगा। और अब हम इनको फ्राई करेंगे। और साथ ही ये मैंने मसाले तैयार करे हैं। आधा चम्मच लाल मिर्च, आधा चम्मच गरम मसाला, आधा चम्मच काली मिर्च पाउडर, आधा चम्मच नमक और एक चम्मच है चाट मसाला। अगर चाट मसाला ना हो तो इसकी जगह आप आमचूर पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं। यह मैंने एक पैन में तेल गर्म होने के लिए रख दिया है। मीडियम फ्लेम पर हमें तेल को गर्म करना है। तेल हमारा गर्म हो गया है। अब हम चने हैं हमारे, इसमें डाल दें। उसको चलाते हुए एक से दो मिनट पकाएंगे बस। बहुत ही जल्दी हो जाते हैं जैसे ही झाग ख़त्म होने लगेगा। देखिए जैसे ही इसका झाग ख़त्म होएगा, इतने जो हमारे चने हैं उसको खो गए, उसका झाग धीरे धीरे देखिए कम होता जा रहा है और भी क्रिस्पी भी होता जा रहा है। ये देखिए, ये हमारे चने हो गए हैं, झाग इसका बिल्कुल ख़त्म हो गया। और आवाज़ से आपको पता चल रहा होगा कि ये कितने क्रिस्पी हो गए। अब बस इनको हम निकाल लेंगे और ठंडा होने देंगे। इनको हम टिश्यू पेपर पे निकाल लेते हैं। तो ये देखिए, मैंने निकाल लिए। आवाज़ से भी आपको पता चल रहा होगा कि कितने ये क्रिस्पी बने। अब इसके अंदर जो हमने मसाला तैयार किया था वो ऐड कर देंगे। मसाला आप अपने अकॉर्डिंगली कम ज़्यादा कर सकते हैं। और मसाला डालने के बाद इसे कर लेंगे अच्छे से टॉस। और रेडी हैं हमारे चना जोर गरम। इसको आप चाट के रूप में भी ले सकते हैं। इसमें टमाटर, प्याज, हरी मिर्च और जो भी वेजीज आप डाल के खाना चाहें वो डाल के खा सकते हैं। बहुत ही टेस्टी लगता है। या फिर आप इसे सादे भी इस तरीके से खाएंगे चाय के साथ तो बहुत ही मज़ा आने वाला है। मस्ट ट्राई रेसिपी है, एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा। और रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अपने दोस्तों के साथ भी शेयर ज़रूर करिएगा। तो देखिए लग रहे हैं ना कितने टैम्पटिंग और यम्मी चना जोर गरम। तो एक बार तो ज़रूर ट्राई बनता है। देखिए कितने ये क्रिस्पी हैं और बहुत ही चटपटे। तो रेडी है हमारा चना जोर गरम, मस्ट ट्राई वंस। और रेसिपी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक ज़रूर करिएगा। मिलते हैं ऐसी किसी नेक्स्ट रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। घर पे रहिए, स्वस्थ रहिए, अपनों के साथ रहिए और मेरी वीडियोस को एंजॉय करते रहिए। एंड अगेन सभी को हैप्पी गणेश चतुर्थी। गणपति बप्पा आप सबकी मुरादें पूरी करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।